हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे रोहित ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं बाजार और आप सभी को भी हम बताएंगे किस तरह के हम जा रहे हैं। और ये रोड भी देख सकते हैं यार, हम साइकिल से जाएंगे और हमारी केटीएम भी हमारे साथ ही फुल जोश में। तो चलते हैं भैया आज और आप सभी को भी हरियाली बताते रहेंगे, खेतों का नज़ारा। गाइस यहाँ पर डग 9 किलोमीटर बता रहा है और आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी जा रहे हैं हम डग की तरफ जहाँ पर 9 किलोमीटर है। और अभी हमारे गांव से हम 3-4 किलोमीटर आ चुके हैं। और यहाँ पर आप सभी देख ही सकते हैं यार किस तरह से मैं जा रहा हूँ अपनी साइकिल चलाते चलाते। और मेरी हालत तो वैसे भी ख़राब होती जा रही है, पता नहीं क्या होगा। और आप सभी देख ही सकते हैं यार यहाँ पर रोड भी हाईवे थोड़ा बहुत। और यहाँ पर खेत भी चेक कर सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे खेत है। और अपन जा रहे हैं यार, पता नहीं मतलब रात को आएंगे कितनी बजे, पता नहीं मेरे को। तो यहाँ से डग है 6 किलोमीटर, देख सकते हैं आप सभी। और अभी हम 6 किलोमीटर और जाना है, फिर डग आ जाएगा और सामान अपन ले लेंगे और वहीं पर मिलते हैं यार। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ी घाटी है तो वो चढ़नी पड़ेगी अपन को और मैं थक भी जाऊँगा ना। तो गाइस यहाँ पर हमने हरंगा खेड़ा की घाटी चढ़ ली है और ये ऐसी वैसी घाटी नहीं है, ये बहुत खतरनाक घाटी है। इसने मेरे 5-10 मिनट तक तो हाँ भरा गया क्योंकि इसको मैंने चैलेंज लिया, मैंने सोचा चढ़ना है कैसे भी करके। यहाँ पर बसें ना डाउन पड़ जाती है और मैंने चैलेंज लिया भाई कि चढ़ना है और मैंने कर दिखाया भाई साहब। मेरे को पता नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, पर मैंने सोचा था भाई कर लेंगे तो कर दिया। तो अभी हम डग आ चुके हैं करीब 12 किलोमीटर। और यहाँ पर चेक कर सकते हैं सभी बच्चे लोग हमसे मिलने के लिए आ गए और मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इनका रिएक्शन देखो यार कितनी खुशी हो रही है इनको, मतलब देख ही सकते हैं। और अभी अपन को सामान वामान लेना है, तो अपन कुछ सामान लेने के लिए आए थे डग और अभी सामान वामान लेंगे। दुकान ढूंढ रहे हैं कौन सी दुकान से ले, क्योंकि यार आधा सामान मिलता है और पूरा सामान नहीं मिलता ना। भाई साहब इन्होंने तो कॉपी भी निकाल ली, देख लो भाई साहब। हाँ तो क्या लिखे यहाँ पर आपकी आईडी? मेरी आईडी लिखो फनी रोहित, फनी लिखो पहले। हिंदी में? इंग्लिश आती है? फनी 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 हाँ फनी रोहित रोहित 893 है। चलो मैं लिख देता हूँ इनकी कॉपी पे और फिर आप सभी को बताता हूँ। अभी हम जा रहे हैं गांव की तरफ क्योंकि यहाँ से गांव 12 किलोमीटर है और अभी तो ठंड का टाइम है और ठंड भी बज रही है। और हमारे पास कुछ है नहीं क्योंकि मैं रात को स्वेटर पहनता नहीं और मेरे पास है भी नहीं। तो अभी चलते हैं यहाँ से और आप सभी को तो पता ही है, घर जाके अपन आप सभी को बताएंगे भेलपूरी किस तरह से बनाते हैं। ओके तो अभी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं हम जा रहे हैं अपने गांव की तरफ और इतना अंधेरा हो गया है कि मुझे भी पता नहीं है। गाइस अभी मैं जाकर घर पर आया हूँ और आप सभी देख सकते हैं मेरी हालत क्या हो गई है। वैसे बाल खड़े हो गए और वहाँ पर पड़ा सभी सामान आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, इस कट्टे में बहुत सामान है। और ये अपन लाए डक से और चलो अभी मेरे को दूध वूध पीना है भाई, भूख भी लग रही है, प्रैक्टिस वैक्टिस कर लेते हैं, बॉडी वॉडी बना लेते हैं भाई खत्म। आज हम और सामान लेकर आ जाते हैं, फिर मैं एक पलट लेता हूँ और हरी मिर्च को हम कतारने लग जाते हैं, हम प्याज को भी नहीं छोड़ते हैं, प्याज को हम अंडे संडे कतारने लग जाते हैं और इन प्याज ने तो मेरी 12 बजा दी। फिर हमने यहाँ पर लिया लाल टमाटर, लाल टमाटर को भी हम कतार देते हैं। अभी को कतारने के बाद मैं इतना सारा सामान लेकर आया था और हमने अनार को भी कतार दिया। फिर हमने एक कटोरी में परमल निकाल लिया, फिर हम परमल में अलडम बलडम डालने लग जाते हैं, जैसे कि मैं सेव डालता हूँ, उसके बाद मूंगफली के दाने मसाला डाल के हम पोहे डाल देते हैं, फिर हम सेंधा नमक भी डाल देते हैं, अंडे संडे और आइटम डाल देता हूँ, सभी को मिलाकर हम नींबू निचोड़ देते हैं, सभी को मिलाकर हमारी भेलपूरी तैयार हो जाती है। लीजिए आप सभी के लिए भेलपूरी तैयार हो गई है। हे गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम नहा धो लिए हैं और हमने कपड़े अपड़े भी धो लिए हैं और यहाँ पर हमारे नल आ गए थे तो हमने यहाँ पर पानी भरना शुरू कर दिया है और हमारा सभी पानी भर चुका है। बस फाइनली पौधों को पानी देना है तो उनको पानी देंगे, उसके बाद ही भाई जूस वूस पियेंगे और बाकी काम करेंगे। तो हमने यहाँ पर पौधों को पानी यानी पिला दिया है, देख सकते हैं यार हरे भरे हो गए हैं सभी। और अपन चलते हैं अब जूस वूस पीना है क्योंकि आप सभी मेरी बॉडी देख सकते हैं यार, मैंने भी बॉडी बना ली है और हमारी केटीएम भी भारी पड़ी है और अंधेरा हो रहा है यहाँ पर क्योंकि यार लाइट नहीं है ना,
तो इसलिए अंधेरा हो रहा है, क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर रहा हमारा जूस और आप सभी देख सकते हैं एकदम हमारा जूस बनकर तैयार हो चुका है और हम भी पी लेते हैं और आप सभी भी पी लीजिए। बहुत टेस्टी है भाई, बॉडी बनाने के बाद जूस पीना बहुत जरूरी होता है। गाइस आज बहुत काम किया है और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं यार आप सभी, बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है। और अभी शाम का टाइम है, यहाँ पर हमारी जो KTM है वो भी हमारे पीछे, और शाम के टाइम पर आप सभी को पता ही आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, जब तक के लिए धन्यवाद।